तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइस फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज का वीडियो काफी मतलब बोलते ना, डरावना भी है, इंटरेस्टिंग भी है और आपके लिए कुछ नॉलेजेबल आज का ये वीडियो, क्योंकि कल हमारे एक भाई ने हमें इंस्टाग्राम पे एक डीएम किया था और मुझे स्पेशली कहा कि सचिन भाई, आप ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो हमारे और भी हमारे जो भाई लोग हैं वो अवेयर हो सके, ताकि जो मेरे उनके जो भाई के साथ में इंसिडेंट हुआ वो किसी और के साथ में इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए उस भाई ने मुझे डीएम किया और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि ये मैसेज मुझे आप लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए गाइस ये मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि जो भी हमारे ओला उबेर के जो भाई है वो इस साजिश से बच सके और उनके साथ में ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जितने भी अपने ड्राइवर्स भाई उन तक ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो अभी हाल फिलहाल का है और रियल है और मुंबई का है। इसके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज जितना हो सके अपने जो ड्राइवर भाई है उन तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी आने वाले जो समय में हमारे भाइयों के साथ में जो ड्राइवर भाई दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर अपना खून पसीना एक करके जो पैसा कमाते हैं, जो ऐसे लुटेरे लोग है जो आके अपने इन ओला उबेर ड्राइवर को लुटने की कोशिश करे, और ये स्पेशली ओला उबेर ड्राइवर को ही टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके साथ में शेयर करूं, ये बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूं, क्योंकि भाई हम लोग एक एक रुपए के लिए दिन और रात एक करते हैं और कोई भी आके हमको ऐसे लूट के चला जाता है, तो मुझे ये चीज सही नहीं लगा। इसके लिए वीडियो बनाओ, तो वीडियो को भी एंड तक देखना और जितना हो सके गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो बता दो गाइस आज की पूरी वीडियो में मैं डिटेल कि क्या हुआ और किसके साथ में हुआ और कैसे हुआ, कैसे आप लोग इससे बच सके, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे नहीं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो गाइस आज के वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक मैसेज है जो हमारे विशाल गायकवाड़ भाई ने जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था, उन्होंने एक मुझे मैसेज किया था कि वही मैसेज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, पढ़ लेना। शायद स्क्रीन में आपको शायद वर्ड्स का छोटा दिखता होगा, बट आप जूम करके उसको देख सकते हो, ठीक है, उसको पढ़ लेना। मुझे विशाल भाई ने जो मैसेज किया वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उनके विशाल गायकवाड़ के जो भाई है जिन्होंने आज से कई दिन पहले ट्रिप लिया था, जो कल्याण से लेके कांदिवली का था, तो वहां पे तीन चार लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, तो उन भाइयों ने जो और जो उसका पेमेंट था वो था कैश मोड। तो जैसे कांदिवली में भाई ने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में जो ओला का जो अमाउंट जो होता है पेमेंट ओला उबेर का जो भी अमाउंट होता है 564 समथिंग होता है, तो उसमें पैसेंजर क्या करते हैं कि उनके पास कैश नहीं होता है, तो इसके लिए पैसेंजर जो हमारे जो ड्राइवर भाई उनको करते हैं जीपे यानी कि फोन पे भी उनको पैसा ट्रांसफर करते हैं, और जो अमाउंट होता है 574 या 564 जहाँ पे लिखा हुआ है वो अमाउंट उनको ट्रांसफर करते समय ट्रांसफर करते और कहते हैं कि हमारे से गलती से जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो मतलब 2574 समथिंग 2500 या 2700 अमाउंट जो है आपके पास ट्रांसफर हुआ है, मतलब 2000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा ट्रांसफर हुआ है, वो आप हमें 2000 रुपया एक्स्ट्रा वापस जो आपको जो दिया है वो हमें रिटर्न में आप ट्रांसफर कर देना करके। तो ऐसा कुछ मैसेज हमारे भाई ने किया और जो भाई के साथ में इंसिडेंट हुआ ये कल्याण टू कांदिवली का जो पिकअप ड्रॉप था उसमें सीन हो गया। और ये जो भाई लोग थे ये थे पड़गा के, पड़गा जैसे आपको पता है पड़गा गांव है जो अपना नासिक बाईपास हाईवे पे आगे जो टोल नाके के यहाँ पे लगता है पड़गा, वहां के ये लड़के लोग हैं। जैसे कि जैसे इस ड्राइवर भाई को पता चलता है तो वो लोग उसको डराते प्रेशराइज करते कि जो आपने हमारा जो 2000 रुपए दिया वो आप हमें रिटर्न दीजिए, जो भी मतलब वहां पे काफी सारा बातचीत होता है। तो जो हमारे जो ड्राइवर भाई होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भाई विशाल गायकवाड़ भाई इनको मैसेज करते कि ऐसा ऐसा मुझे आप 2000 रुपए ट्रांसफर कर दो, मुझे किसी को देना, मतलब तब तक वो भाई साहब मतलब जो भाई है अपने भाई को भी नहीं बताते कि मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ है करके, ठीक है, शायद वो उस समय बता देते तो इतना बड़ा ये सब सीन होता नहीं था। तो उन्होंने जैसे बताने का तो भाई ने विशाल भाई अपने भाई 2000 रुपया ट्रांसफर कर दे, तो बेचारे वो भी जो हमारे ड्राइवर भाई है भाई जब हमारे साथ भी ऐसे कोई सीन होता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं डर जाते हैं, उसमें भी गाइस वो लोग दो चार लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी ड्राइवर भाई डर जाएगा, और शायद उनको ये सब चीज पता नहीं, क्योंकि आज की तारीख में आप लोगों को पता है कि फोन पे पेटीएम ये सब चीज पे कितने ऐसे जो फ्रॉड होते हैं, मतलब आपको फोन दिखा कि वहां पे आपको होता है टिक में पेमेंट सक्सेसफुल, बट हालांकि पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक आपके अकाउंट में आपको मैसेज नहीं आता है तब तक वो पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आया होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो फ्रॉड है अब जो भाई को नहीं पता कि ऐसे भी फ्रॉड किया जाता है, तो ये सब चीज सारे जो सीन उनके साथ में होता है वो अपने भाई को बताते शेयर करते, तब उनके जो भाई जो हमारे जिन्होंने हमको मैसेज किया विशाल गायकवाड़ भाई, तो उन्होंने सब सारे चीजें देखी, मतलब उसके ऊपर जो भी पुलिस कंप्लेंट करना था वो भी उन्होंने किया, बट उधर से भी कोई सपोर्ट उनको मिला नहीं, और बाद में उनको पता चला कि जो नंबर से मतलब उन नंबर से उनको पता चला कि जो लोग जो लड़के लोग थे वो थे पड़गा के, ठीक है, पड़गा जो नासिक के यहाँ पे पड़गा वहां के जो लड़के लोग थे, तो उन्होंने वही इंसिडेंट मुझे शेयर किया कि सचिन भाई प्लीज आप ये
जो बातें हैं, जो मेरे भाई के साथ में जो सीन हो गया, जो इंसिडेंट हो गया, वो प्लीज आप अपने वीडियो में बताना, ताकि जो और भी भाई लोग हैं, मतलब जो किस तरीके से लोग टारगेट कर रहे ओला उबर ड्राइवर को, और स्पेशली विशाल भाई ने ये बताया कि मुझे कि ये लोग स्पेशली ओला उबर ड्राइवर को टारगेट कर रहे, क्योंकि उनको ये चीजें पता नहीं रहते, क्योंकि काफी जो लोग ऐसे जो नए हैं जिनको नहीं पता किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं, किस तरीके से लोग डराते धमकाते हैं, सब चीज उनको नहीं पता था, तो वो भी डर गए, उनको भी पता नहीं था, वो भी अभी जस्ट ओला उबर में ज्वाइन किए, और विशाल भाई ने उनको सपोर्ट किया, गाड़ी के लिए उनको गाड़ी लेके दी, सारा चीज मुझे मैसेज किया, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों तक बताना चाहिए, मतलब हम लोग दिन रात एक करते हैं, एक एक रुपया कमाने के, और कोई भी पर्सन आता है अपने गाड़ी में बैठता है, राइड गाड़ी में घूमता है, और उसके बाद में हमको ही लूटने का कोशिश करता है। सोचो ना, 2000 रुपया उस भाई को उन्होंने फ्रॉड करके लूट लिया, अब पुलिस कंप्लेंट करने के बाद आपको लोगों को भी पता है कि उसका जल्दी से जल्दी कोई रिजल्ट आता नहीं, तो भी विशाल भाई उनके पीछे लगे, मतलब उनके पास उनके कुछ तो फोटो भी आए हैं, उनके नंबर्स भी उनके उनको मिले, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में बातें शेयर करूं, मतलब बेचारा दिन भर काम किया और पता चला बाद में कोई आके उनको भाई लूट के चला जाता, तो सोचो ना किस तरीके से लोग ओला उबर ड्राइवर को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोगों को पता है, कुछ ना कुछ सीन होता ही ओला उबर ड्राइवर के साथ में, कि भाई कहीं कोई मारता है, कोई कोई लूटता है, मतलब बहुत सारे से जो सीन है जो ओला उबर ड्राइवर के साथ में किया जा रहा है, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये चीज आप लोगों के साथ में शेयर करूं, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये सारी बातें आप लोगों को बताऊं, ताकि आप लोग भी ये सारी बातें जो आपके कनेक्टेड में, जो आपके कॉन्टेक्ट में, उनको ये सारी चीजें बताओ, ये वीडियो को उनको शेयर करो, ताकि वो भी बच सके, पता नहीं कब गाड़ी में कौन सा पैसेंजर आके बैठेगा, वो आपसे क्या मीठी मीठी बातें करेगा, मतलब बहुत सारे जो मैं तो सुनते रहता हूँ, बीच में ऐसे मेरे हमारे जो भाई थे उन्हें भी मुझे मैसेज करते, एक आदमी आता है गाड़ी के अंदर पैसेंजर, और रेंटल गाड़ी बुक करता है 12-14 घंटा, बाद में पैसेंजर उधर से भाग जाता है, मतलब किस तरीके से लोगों के दिमाग में ओला उबर ड्राइवर को लूटने की कोशिश किया जाए, तो ये सब चीजें हैं, तो मैं आप लोगों को बताता इसके लिए, क्योंकि आप लोग भी अवेयर हो सको, क्योंकि हमको पता है हम जब सुबह से लेकर रात तक निकलते कि कहीं ना कहीं 2 पैसा घर पे लेके आवे, और रात को वही पैसे जो हमारा घर चलता है, और वही ऐसे जो लुटेरे लोग आते हैं, जो फ्रॉड लोग आते हैं, जो हमको लूट के चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, आपके पास भी कोई मैसेज रहेगा, आपके साथ में भी कोई चीज किसी के साथ में हुआ रहेगा जो आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, ताकि और तक लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि कैसे कैसे हमारे गाड़ी में पैसेंजर आते हैं, उनका सोच क्या है, उनका विचार क्या है, उनका आगे का प्लानिंग क्या है, वो सब चीज हमें पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग मेरे काफी लोग हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से तो आप लोगों को पता चले कि हमें फ्रॉड से किस तरीके से बचना चाहिए, तो इसके लिए मुझे लगा वीडियो बनाने का, और विशाल गायकवाड़ जो हमारे भाई ने मुझे डीएम किया था, तो थैंक्स विशाल भाई कि आप लोग आपने मुझे मैसेज किया, और मुझे भी लगा कि कहीं ना कि आपके भाई के साथ में भी गलत हुआ है करके। ठीक है, अभी आप तो जो चीज है प्रोसेस करो, बट मैं यही करूंगा कि आपको जो लगा कि आपके साथ में जो हुआ है, आपके जो भाई के साथ में जो हुआ है, वो किसी और के साथ में नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने मुझे पर्सनली मैसेज किया, काफी अच्छा लगा कि आपने भी और ड्राइवर्स के भाई के बारे में सोचा, ऐसी अगर हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो जरूर हमें हमारे साथ में अगर कुछ भी घटना होती है, कुछ भी गलत चीज होता है, तो हम उससे बचने की कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच विशाल भाई, आपने मुझे मैसेज किया, और मैं और भी भाई लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा होता है तो मेरा इंस्टाग्राम का नीचे आईडी है, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी किसी के साथ में इंसिडेंट होता है, उसका वीडियो होगा या मैसेज होगा, आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं जरूर अपने वीडियो के द्वारा अपने जो ड्राइवर भाई है उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।